आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, आप कैसे अपने आधार कार्ड में एड्रेस और पिता का नाम कैसे बदल सकते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आपको आधार सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान वाले के पास या साइबर कैफ़े में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे 50 रुपये में आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस और पिता का नाम आप करेक्शन कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस और पिता का नाम कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, और उसके जगह पे आप चाहे तो अपने हस्बैंड का भी नाम रख सकते हैं या नहीं तो सिर्फ अपना एड्रेस और पिता का नाम भी उसमें रख सकते हैं। तो कैसे अपने आधार कार्ड में एड्रेस को सही करना है, कैसे पिता का नाम को सही करना है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप ये सीख पाएंगे कि कैसे अपने आधार कार्ड में एड्रेस और पिता का नाम कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. अपने आधार कार्ड में पति पिता का नाम चेंज करने और एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको वेबसाइट टाइप कर देना है UIDAI। इसे यहाँ पर टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है। अब उस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने में ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर देखिए कि आपको अपडेट डेमोग्राफी डेटा ऑनलाइन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू अपडेट आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, ये कैप्चा आपको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। कैप्चा आपको ये चीज़ यहाँ पर डालना है, जो कैप्चा यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद जो आपका आता है, इसके बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके उसी मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए हम अपने यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं, ये OTP डाल के सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको कैप्चा डालना है। एक यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए मेरे केस में यहाँ पे OTP आ गया है तो मैं अपना OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। ये जो है आपको 10 मिनट का वैल्ड रहता है आपके OTP का, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर में आपको OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ लॉगिन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपडेट डेमोग्राफी डेटा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए अपने आधार कार्ड में पति का नाम और पिता का नाम या एड्रेस चेंज करने के लिए आपको यहाँ एड्रेस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाता है। यहाँ पर देखिए यू हैव सेलेक्टेड आधार डेटा फील्ड टू अपडेट, और यहाँ पे आपको कंसेंट देना है। यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो पहले से एड्रेस है वो आपको यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे अपने आधार कार्ड में पति का नाम या पिता का नाम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डालना, ठीक है। अगर आप पति का नाम ऐड करना चाहती हैं तो अपना पति का नाम यहाँ पे डालेंगे, अगर आप पिता का नाम ऐड करना चाहते हैं तो पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है इंटर केयर ऑफ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए संबोधित, और यहाँ पे अपना डालना है हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे आपको एस्टेट रोड लैंड डालना है, एरिया लोकेलिटी सेक्टर डाल देना है, लैंडमार्क जो हाईलाइट जगह है वो डाल देना है, जैसे आपका हाईलाइट जगह है आपका अगल बगल कहीं कोई कुछ तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड यहाँ पर डालना है, इसके बाद यहाँ पर विलेज टाउन सिटी डालना है, इसका पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर एस्टेट डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ पर आप डालते हैं ना कुछ, जैसे यहाँ पे अगर आप हाउस नंबर बिल्डिंग डालते हैं तो यहाँ पे आपको इंटर मारना है तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना फादर का नाम डालूँगा, अगर आप लड़की हैं तो अपने हस्बैंड का नाम पति का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। चलिए मैं अपने पिता का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर
पिता का नाम डाला हूँ और यहाँ मैं इंटर करूँगा तो आपको इस साइड में आपका आ जाएगा। अगर ये जो हिंदी में गलत आता है तो सिंपली यहाँ पे आप इसको हटाएंगे, यहाँ गूगल इनपुट टूल का हेल्प लेंगे, यहाँ गूगल इनपुट टूल में जाएंगे और यहाँ से अपना जो है सही से नाम जो मोहम्मद है तो मोहम्मद या जो भी, अगर आपको वहाँ गलत आता है नहीं आता है तो यहाँ से अपना डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोहम्मद, देखिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। इसको आप क्या कर दें, इस तरीके से कॉपी करके आप वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप इसको पेस्ट ऐसे कर दीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर डालना, जिसमें यहाँ पर डाल देता हूँ बासोपट्टी। यहाँ पर डाला, यहाँ पे इंटर कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अगर गलत है तो इसको आप गूगल इनपुट टूल में जाएंगे और यहाँ से आपको उसको आपको सही कर लेना है। इसी तरीके से आपको पूरा फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इसमें डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इसमें आपको ढेर सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो भी आपके पास है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आपको है तो राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको इसमें ढेर सारा मिल जाता है। देख लीजिएगा आपके पास क्या है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पासपोर्ट डालने वाला हूँ तो मैं यहाँ पासपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट अपलोड भी करना है तो यहाँ पे देखिए 2 MB का आपका होना चाहिए पासपोर्ट, ठीक है। 2 MB के साइज़ का होना चाहिए, JPEG, PNG और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद जहाँ भी आप रख रखे हैं इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर पासपोर्ट आ जाएगा। इसका पूरा फॉर्म आपको एक बार फिलअप कर, सही से फिलअप करने के बाद यहाँ पर भी वाले का आपको क्लिक कर देना है। एक बार अपना फॉर्म सही से देख लीजिए टोटल जॉब सही से फिलअप है या नहीं। इसके बाद यहाँ पे पर भी वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आप जो भी एड्रेस में डाल रहे हैं, जैसे अगर आप लड़की हैं, अगर आप पति का नाम डाल रहे थे तो यहाँ पर आपका पति का नाम आ जाता है और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाता है। अगर आप लड़के हैं या कोई आप फादर का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर आप लड़की हैं, अपना हस्बैंड का नाम डालना चाहती हैं तो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालेंगे और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर आ जाता है। इसको आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट आ जाता है, अगर कुछ करेक्शन करना है तो 8 पर जाकर आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको कैप्चा स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में डालना है। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। चलिए हम यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपके केस में OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना। मेरे केस में यहाँ पे आ चुका है तो मैं यहाँ पे अपना OTP डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपके केस में जो भी OTP आए आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पे कंसेंट देंगे और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ऐसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ओपन होके आ रहा है और यहाँ पे आपको कुछ वेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर मैं चूज करूँगा, यहाँ पर देखिए कि कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है और यहाँ CVV नंबर डालना है। यहाँ पर देखिए नेम ऑन कार्ड, आपके कार्ड पे जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कंसेंट देना है और यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से 50 रुपया का यहाँ पे पेमेंट कटेगा और आपको जो है उसी एड्रेस पे, जो एड्रेस दिए हैं उसी एड्रेस पे आपका आधार कार्ड जो आप करेक्शन किए हैं, एड्रेस करेक्शन किए हैं, फादर हैं तो फादर का नाम करेक्शन किए हैं या लड़की हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम करेक्शन किए हैं तो वो आपके उसी एड्रेस पे जाएगा जो आप एड्रेस प्रूफ में दिए हैं। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है अपने आधार कार्ड में हस्बैंड या पति का नाम चेंज करा सकते हैं, एड्रेस चेंज करा सकते हैं। अब आपके जो एड्रेस चेंज हो जाएगा उसका स्टेटस आप बहुत ही इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक डेटा स्टेटस अपडेट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आधार नंबर डालना है, कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है स्मॉल में तो स्मॉल में, अगर नहीं आता है तो इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हट जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको इस रिफ्रेश कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल के चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आप जो भी एड्रेस में या पति पिता का नाम चेंज किए हैं उसका प्रोग्रेस क्या है और कहां तक ये प्रोग्रेस हुआ है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने आधार कार्ड में पति पिता का नाम और एड्रेस अपडेट
करा सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, बहुत ही इजी तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस अब तो आपने सीख ही लिया होगा किस तरीके से अपने आधार कार्ड में मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कैसे एड्रेस और पिता का नाम कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।